हुकूमत का 7 जुलाई को यौम तकद्दस कुरान मनाने का फैसला। मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। शहबाज शरीफ की तमाम जमातों और पूरी कौम से शरीक होने की अपील। मुकद्दस हस्तियों, अकायद और नज़रियात को निशाना बनाने वाले मुतशद्दद ज़हन दुनिया के अमन के लिए ख़तरा हैं। गुमराहकों ने इस्लामोफोबिया के मनफी रुझान को फैलाकर मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा है। दुनिया भर की अमन पसंद क़यादत इस्लामोफोबिया का शिकार क़ुव्वतों का रास्ता रोकें। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरक इजलास बुलाने का भी फैसला। स्वीडन वाक़े पर कौमी लाए हमल बनाया जाएगा। भारत दहशतगर्दी को सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना करे। दहशतगर्दी किसी भी सूरत में इंतहाई काबिल मजम्मत। मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन पामालियों का नोटिस ले। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक देरीना तनाज़ात का हल भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO सरबराही इजलास से वर्चुअल खिताब। CPEC खिते के लिए गेम चेंजर होने की उम्मीद का इजहार। ईरान को तंजीम का रुकन बनने पर मुबारकबाद। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल। चारों वज़राए आला और वफाकी वज़राए इजलास में शरीक होंगे। सरमायाकारी के लिए आने वाले वफूद से मुतालिक लाए हमल की मंजूरी दी जाएगी। डॉलर को बड़ा झटका। एक ही रोज कदर 11 रुपए गिर गई। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 279 रुपए में ट्रेड। इंटरबैंक में भी डॉलर 10 रुपए 55 पैसे सस्ता होने के बाद 275 रुपए 44 पैसे पर बंद। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाहल करार। चीफ कोर्ट के 3 जजेस ने समाअत के बाद फैसला सुना दिया। दरख्वास्त रुकन असेंबली गुलाम शहजाद आगा की जानिब से दायर की गई थी। गिलगित बल्तिस्तान में बदलती सियासी सूरत हाल वफाकी हुकूमत मुतहरिक हो गई। वज़ीर आज़म ने नाहली के फैसले को मेरिट पर करार दे दिया। एसएन इकबाल, कमर जमान कायरा और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी वज़ीर आला की नाहली के बाद की सूरत हाल पर सिफारिशात मुरतब करेगी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मजीद तफसीलात सामने आ गईं। किसी को फ़ायदा पहुंचाने के बदले तहाइफ लेना जुर्म करार दे दिया। मुकदमे में से किसी शख्स को वादा मुआफ़ गवाह बनाने के अख्तियार चेयरमैन नैब को मिल गया। वादा मुआफ़ गवाह अपनी गवाही मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड कराएगा। किसी भी मुकदमे का बदनीयती के साथ इंदराज साबित होने पर मुकदमा बनाने वाले को 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। नैब मुलजिम को 14 की बजाय 30 दिन तक हिरासत में रख सकेगा। ऑर्डिनेंस की शिकें। पीछे दौरे हुकूमत में 29 अफराद को फौजी अदालतों से सुनाई गई सजा। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। विफाक पाकिस्तान पीटीआई चेयरमैन और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा फरीक। चारों सूबों की हाईकोर्ट्स के रजिस्ट्रार भी फरीक होंगे। दरखास्त गुजार कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम का जैक ब्रांच से रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा। वकील कत्ल केस में पीटीआई चेयरमैन के नाकाबिले जमानत वारंट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तिना लार्जर बेंच ही जारी कर सकता है। समात के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। मजीद कार्रवाई गैर मुयना मुद्दत के लिए मुलतवी। पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस नाकाबिले समात करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह 12,29,000 रुपये मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को माहाना 11,61,000 रुपये माहाना के हिसाब से अदायगी होगी। सदारती हुक्मनामा जारी। IMF से माहदे का असर हर गुजरते दिन बेहतरी की सूरत में नजर आएगा। महंगाई पर काबू पाना बड़ा चैलेंज। दो साल में गिरानी की शरह 5 से 7% पर लाएंगे। स्ट्रेटजिक प्लान तैयार कर लिए। मॉनेटरी पॉलिसी में बेहतरी के बाद तमाम तर तवज्जो मुआशी तरक्की पर मरकूज है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए असलाहत जारी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट का इजरा भी बड़ा इकदाम है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। परवेज इलाही की फ्रंट मैन के साथ गुफ्तगू की मुबैन ऑडियो सामने आ गई। पैसों के लेन देन पर बातचीत। चौधरी जमान से मुबैना तौर पर पैसे पहुंचाने पर बात की। FIA ने रिकॉर्डिंग फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी। बरतानिया से वतन वापसी के बाद जहांगीर तरीन फिर सरगर्म। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ से पार्टी सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी और ऑन चौधरी की मुलाकात। आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। तामीरी सियासत करने मैदान में आए हैं। अपने मंशूर में मुल्क को दरपेश मसाइल का हल तजवीज़ करेंगे। जहांगीर तरीन की गुफ्तगू। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल गया। चंद माह बाद क्या होगा हमें इसका भी हल तलाश करना होगा। सियासी और कानूनी तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अदालतों में भी पेश हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती की मजम्मत। बिजली बहरान वबाले जान। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहरों में दौरानिया 10 और देहात में दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज। लाहौर में तकनीकी खराबियों के बायस बिजली की आंख मचोली। वोल्टेज की कमी बेशी से कीमती अशिया जल गई। शहरियों का एहतजाज। लेस्को हुकाम खामोश। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां। कीमत में 2 रुपये 5 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। के इलेक्ट्रिक का टैरिफ भी 1 रुपया 49 पैसे फी यूनिट बढ़ाया जाएगा। नेपरा में समात आज शेड्यूल। इजाफा महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जा रहा है। सार्फिन पर 20 अरब रुपये से जायद का बोझ पड़ेगा। महंगाई की दुहाई देते शहरियों के लिए रोटी का हुसूल मजीद मुश्किल। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा। फ्लोर मिल्स ने कीमत 2,650 से बढ़ाकर 2,750 रुपये कर दी। स्वीडन वाक़े पर दुनिया भर के 2 अरब मुसलमान रंजीदा हैं। आलमी सतह पर ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे तौहीन के मुर्तकिब अफराद को करार वाकई सजा मिले। ऐसे वाकयात ना रोके गए तो आलमी सतह पर तसादुम हो सकता है। मुकद्दस किताबों की तौहीन को आज़ादी इजहार नहीं कहा जा सकता। कुरान पाक और नामोस रिसालत का तहफ़ हमारे ईमान का हिस्सा है। कोई तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की मजहबी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कुरान पाक की बेहरमती पर तुर्किया का शदीद रद्द अमल। स्वीडन की नेटो में शमूलियत की मुखालफत जारी रखने का ऐलान। कालदम दहशतगर्द ग्रुपों को पनाह न देने का ऐलान किया जाए। स्वीडन को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के हामियों के खिलाफ भी कार्रवाई करना होगी। रजब तैयब उर्दवान की तंबी। ईरान और इराक समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में भी मुजाहरे।